नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्रोटोन का पौधा है और ये काफ़ी आकर्षक पौधा माना जाता है। इसमें काफ़ी तरह के कलर्स होते हैं, काफ़ी तरह के पत्तियों के अलग अलग आकार होते हैं। ये देखिए, ये भी देख रहे होंगे आप, इस पर येलो कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है और स्पोर्ट ये जो इसकी लीव्स हैं इस पर स्पोर्ट नोमा कुछ धब्बे से बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये कुदरत के जो करिश्मे हैं ये काफ़ी प्यारे लगते हैं। और आप देख रहे हैं, ये देखिए, क्रोटोन में काफ़ी तरह की वैरायटीज़ आती हैं। केवल इसमें जो वैरायटीज़ होती हैं वो कलर की वैरायटीज़ होती हैं और शेप की वैरायटी होती हैं। इसमें जो लीव्स का जो शेप है वो अलग अलग तरह का होता है, किसी किसी में तो काफ़ी पतला होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक और है, ये देखिए, इसकी भी जो लीव्स हैं वो काफ़ी कितनी पतली पतली हैं। ये देखिए, ये भी क्रोटोनी है, इसीलिए ये जो पौधे होते हैं वो काफ़ी आकर्षक होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। ये आज हम आपको दिखाएंगे कि क्रोटोन को प्रोपोगेट आप कैसे कर सकते हैं लीफ से, जो इसकी पत्तियां होती हैं उनसे आप एक नया पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देखिए, ये एक और लीव्स है, ये क्रोटोन की ही लीफ है और इस तरह से भी काफ़ी अलग अलग तरह के क्रोटोन मार्केट में आपको मिल जाएंगे। पत्तियों का जो आकार है वो सबका भिन्न भिन्न होता है। ये हम आपको प्रोपोगेशन की आज बात कर रहे हैं कि लीव्स से आपको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक नया पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पत्ता आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक पौधे का आकार ले चुका है। ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए, एक पौधे का आकार इसने ले लिया है और इसकी रूट्स आप देख रहे हैं कितनी हेल्दी रूट्स इसमें डेवलप हो गई हैं। ये सारा कमाल है इसका पानी में रखने का, पानी से हमने इसको प्रोपोगेट किया है। प्रोपोगेट कई तरीके से कर सकते हैं आप, इसको मिट्टी में लगाकर भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा नहीं रहता है पानी के मुकाबले में। बस पानी में आपको एक ही समस्या रहती है कि पानी जो है आपको वो लगातार चेंज करते रहना पड़ता है। अगर पानी उसमें ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वो फंगस उसमें आ जाएगी और जो जड़ हैं, जो आप देख रहे हैं इसकी रूट्स, वो गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो लीव्स हैं वो उनका आपको सिलेक्शन करना है, जिनसे आपको एक नया पौधा तैयार करना है। और सिलेक्शन करने के लिए आपको पुरानी जो शाखाएं होती हैं उनके आपके उनके जो पत्ते हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। पुराने पत्ते आपको लेने हैं, नए पत्ते आपको नहीं लेने हैं। तो ये भी देखिए आप, ये पुराना पत्ता है काफ़ी, और इसी लीव से, इसी पत्ते से ये इसकी जो प्रोपोगेशन है वो की गई है। ये देखिए रूट्स, और मेरे पास और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक और लीव्स क्या है, ये ऊपर से एक, ये मान लीजिए कि जैसे ये एक हमारी टहनी है, इसको यहाँ से काट कर आप पानी में रखेंगे तो भी ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये इसी तरह से किया गया है और इसमें भी आप जो रूट्स देखेंगे ये काफ़ी डेवलप हो गई हैं। ये काम लगभग एक महीने में हो पाएगा, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हो कि चार दिन आप पानी में रखेंगे तो आपका पौधा तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक डेढ़ महीने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पानी को बार बार 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको चेंज करना पड़ेगा और तब जाकर आपको ये रिजल्ट मिल पाएगा। इसी तरह से हमने कुछ और पौधे प्रोपोगेशन के लिए रखे हुए हैं, इनमें भी ये देखिए, इसकी रूट्स आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए इसकी रूट्स कितनी डेवलप हो गई है।
तो इसी तरह से हमने कुछ पान की कटिंग भी रखी हुई है, इनमें भी आप रूट्स देख सकते हैं। तो इसी तरह आपको अगर कोई नया पौधा किसी पौधे से बनाना चाहते हैं, कुछ पौधे जो आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं वही आप लें। जैसे ये रबर का एक पौधा हम तैयार करने के लिए हमने रखा हुआ है इसको पानी में, इसमें भी लगभग 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, इस लीव से भी फिर हम एक रबर का नया प्लांट ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी जानकारी थी कि किस तरह से आप प्रोपोगेट आप लीव से कर सकते हैं, और पानी जो है इसका मीडियम रहेगा, मिट्टी इसका मीडियम नहीं रहेगा। मिट्टी के बारे में जानकारी इसी दिन और एक नई वीडियो में आपको लेकर आएंगे कि मिट्टी में आप कैसे प्रोपोगेट कर पाएंगे। तो ये हो गया, और अब हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको, हम इसको प्लांट करेंगे आज मिट्टी में। तो मिट्टी में हमने एक छोटा सा पोट लिया है इसका 6 इंच का, उसमें हम इसको आज प्लांट करने वाले हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। ये हमने मिट्टी ली है, और मिट्टी थोड़ी हल्की लेनी है आपको, हार्ड मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इसकी रूट जो है वो अभी काफ़ी नाजुक हैं, और ये अभी अभी पानी से निकला है, तो इसके लिए मिट्टी जो है वो हल्की लें ताकि ये इसकी रूट्स अच्छे से सर्वाइव कर जाएं, और ये अपने आप को मिट्टी के अनुसार ढाल लें। तो इसको हम लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पौधे अब लगकर तैयार हो गए हैं, और अब बात आती है वाटरिंग की। तो आप हल्के से इनमें वाटरिंग कर दीजिए, और वाटरिंग थोड़ी अच्छे से करिए ताकि जो ये है मिट्टी है थोड़ी स्टेबल हो जाए और रूट्स भी थोड़ी पकड़ बना ले। तो आज का वीडियो ये इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।